वेलकम एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विजार्ड बाय करण सर। क्या करते हैं बच्चों, देखिए बड़ी शानदार चीज़ है, क्योंकि मैं आपको पूरा डिटेल में पढ़ाना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं आपको ये वाली बात भी बता रहा हूँ कि हमारे पास कुछ यहाँ पे स्पेशल टाइप के फंक्शन आएंगे और उनके ग्राफ भी आएंगे, सम स्टैंडर्ड रियल फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स। ठीक है सर, सबसे पहले इस सीक्वेंस में मेरे पास जिसका नंबर आता है वो है मेरे दोस्तों कांस्टेंट फंक्शन। पता है ग्राफ अगर समझ में आते हैं ना, बहुत मज़ा आएगा आपको आगे जाके। कांस्टेंट फंक्शन, अब देखिए कांस्टेंट फंक्शन नाम से ही मेरे भाइयों पता चल रहा है कि कांस्टेंट फंक्शन का मतलब क्या हुआ, कि कोई सा भी कांस्टेंट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल fx इक्वल टू k इज कॉल्ड अ कॉन्स्टेंट फंक्शन, वेयर k इज एनी रियल नंबर। जैसे आपने बोल दिया fx इक्वल टू 2, या आपने बोल दिया fx इज इक्वल टू -5, कुछ भी आप जो भी आपके दिमाग में आ रहा हो आप कोई सा भी कॉन्स्टेंट बोल सकते हैं। तो fx इक्वल टू k, कई सारी बुक्स में c भी लिखा होता है k की जगह, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। k या c का मतलब हम आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, कोई कॉन्स्टेंट। तो fx इक्वल टू k इस कॉल्ड कॉन्स्टेंट फंक्शन। एग्जाम्पल कुछ भी आ सकता है, fx इक्वल टू 2, fx इज इक्वल टू 3, नेगेटिव भी आ सकता है। ठीक है मेरे भाइयों, तो fx इक्वल टू k इस कॉल्ड अ कॉन्स्टेंट फंक्शन। तो कॉन्स्टेंट फंक्शन में आपसे बोला जाता है भाइयों कि यार ये कॉन्स्टेंट फंक्शन है, मतलब इसका डोमेन क्या है, डोमेन तो कोई सा भी रियल नंबर हो सकता है। आप x की जगह 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, लेकिन आंसर तो k ही मिलना है ना, तो रेंज क्या हो गई इसकी, k। क्योंकि जो आंसर आता है भाई fx मतलब क्या y, तो y की वैल्यू क्या है k, मतलब आपके पास आंसर तो हमेशा k ही आना है ना, x की वैल्यू वाले कुछ भी पुट करो। तो डोमेन तो क्या हो गया, ऐसे फंक्शन का रियल नंबर, और ऐसे फंक्शन की जो रेंज होती है ना कॉन्स्टेंट फंक्शन की, वो होती है मेरे भाइयों k सिंगलटन सेट। कैसे लिखेंगे, इस तरीके से। अब ये यहाँ पे y की जगह अगर 2 होता तो मेरी रेंज कैसे आती बच्चों, कर्ली ब्रैकेट के अंदर 2, मतलब सिंगलटन सेट, एक सिंगल एलिमेंट इसकी रेंज है। अब बच्चे पूछते हैं सर जी जरा बताइए इसका ग्राफ कैसा होगा। मैं कहता हूँ बच्चों इसका ग्राफ तो मैंने आपको 9th में पढ़ा दिया था। बच्चे कहते हैं कैसे, मैंने कहा देख भाई मैंने क्या बोला, fx इक्वल टू k, अब k की जगह मैंने ले लिया 2, तो मैंने बोला y इक्वल टू 2। तो y इक्वल टू 2 बेटे याद करो 9th क्लास में चैप्टर नंबर 4 में मैं आपसे बताया करता था कि अगर y की वैल्यू दे रखी है तो ग्राफ आएगा x के पैरेलल, y की वैल्यू तो ग्राफ आएगा x के पैरेलल। ये कार्टेशियन प्लेन बनाया मैंने मेरे भाइयों, ये हो गई मेरी x एक्सिस, ये हो गई मेरी y एक्सिस, ये हो गया मेरा ओरिजिन। ठीक है, y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2 मतलब y की वैल्यू 2 कहाँ पे आएगी, यहाँ पे y की वैल्यू 1 है, यहाँ पे y की वैल्यू 2 है। तो मैंने क्या सिखाया था, जब y की वैल्यू गिवन है तो ग्राफ होता है x एक्सिस के पैरेलल, मतलब यहाँ से जाने वाली एक लाइन जो किसके पैरेलल हो, x एक्सिस के पैरेलल हो। तो ये हो गया बच्चों y इक्वल टू 2 का ग्राफ। तो अपन ने यहाँ पे k क्या मान लिया था, k अपन ने यहाँ पे 2 मान लिया था। तो ये fx इज इक्वल टू k का ग्राफ ऐसा होता है, कैसे, स्ट्रेट लाइन दैट इज पैरेलल टू x एक्सिस। ये हो गई मेरी कहानी मेरे भाइयों, ठीक है ना, ये हो गई हमारी पिक्चर। और अगर कोई कहे तो ये वाली डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाली डिस्टेंस क्या हो गई 2, और जनरली k बोलते तो हम इसको दिखा देते बच्चों k। बस एग्जांपल से समझाया, जल्दी समझ में आ गया ना आपके। अब मैं नेक्स्ट लेके आ रहा हूँ आइडेंटिटी फंक्शन। ये मैं पता है 12th में भी पढ़ाता हूँ, क्योंकि 12th वाले बेटा बड़े बदमाश बच्चे हैं, वो भी आपके भाई हैं। वो क्या करते हैं 11th में, तो जैसे ये मेरे भाई बैठे हुए हैं यहाँ पे, इन्हें मज़े आते रहते हैं जैसे मैं इधर पढ़ाने स्टार्ट करता हूँ, तो ये अपना मोबाइल में, आजकल आपको पता ही है YouTube जिंदाबाद, तो सब कुछ इनका चलता रहता है बेटा। और इनसे मना भी नहीं कर सकते ना, इनसे मना इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये कहते हैं कि सर हम तो आपका वीडियो देख रहे थे सर। ये टाइम यूटिलाइज करने वाले बच्चे हैं। तो देखिए अब कॉन्स्टेंट फंक्शन के बाद नंबर आएगा मेरे पास आइडेंटिटी फंक्शन, जो सेकेंड है वो है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन ये लो मेरे भाइयों, आइडेंटिटी फंक्शन नाम से पता लग रहा है, आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब आइडेंटिटी मेंटेन कर रहा है, मतलब खुद की खुद के साथ। तो आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, fx इक्वल टू x,
कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन, मतलब x की जो वैल्यू रख रहे हैं y की भी वही वैल्यू आनी चाहिए। एफ एक्स इज इक्वल टू x इज कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन। जैसे आपने x की जगह 2 रखा तो एफ 2 बराबर 2, x की जगह आपने 3 रखा एफ 3 बराबर 3, तो ऑर्डर्ड पेयर कैसे बन रहे हैं 2, 2, 3, 3। x की जगह 1 रखेंगे तो ऑर्डर्ड पेयर 1, 1, 2, 2, 3, 3। देखिए सेट को, सॉरी अपन ने फंक्शन को ऐसे पढ़ा हुआ है ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में, तो अपने को आना चाहिए कि भैया अगर ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में बात करेगा तो कैसे चलेगा, ऐसे चलेगा ये फंक्शन f इक्वल टू और डॉट डॉट चले जाएगा 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, मतलब खुद का खुद के साथ। तो मेरे भाइयों, अगर मैं आपसे पूछूं कि यार भाई इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा, इस फंक्शन की रेंज क्या होगी, तो मैं आप जैसे प्यारे बच्चों से पूछना चाहता हूं, आप क्या बताएंगे? आप कहेंगे कि सर इस फंक्शन का जो डोमेन है ना वो कोई सा भी रियल नंबर हो सकता है और रेंज भी कोई सा भी रियल नंबर हो सकती है। क्यों? क्योंकि 1 रखने पे 1 आएगा, 2 रखने पे 2 आएगा, 3 रखने पे 3 आएगा। कोई कहेगा कि मैं तो माइनस में रखूं, तो माइनस में रखेंगे तो माइनस में आएगा, माइनस में रखेंगे तो आप क्या कहेंगे एफ माइनस टू, आंसर इज माइनस टू। तो ऑर्डर्ड पेयर कैसे बना, माइनस टू को माइनस टू। इसका मतलब आइडेंटिटी फंक्शन का जो डोमेन है और जो रेंज है बोथ आर इक्वल टू आर, मतलब रियल नंबर। तो डोमेन के बारे में बात करो या फिर रेंज के बारे में बात करो, किसके लिए? आइडेंटिटी फंक्शन के लिए, बोथ आर इक्वल टू आर। अब बच्चे पूछते सर इसका ग्राफ कैसा बनेगा, तो मैं कहता हूँ भाई मेरे इसका ग्राफ ही तो है सबसे प्यारा। देखिए आप अगर 1 रखते हैं तो 1 आता है, ग्राफ बनाना आप सभी को बहुत अच्छे से आता है। 0 रखेंगे तो 0 आएगा, ये 0 रखेंगे तो 0 आएगा, 1 रखेंगे तो ये 1 आ गया, 2 रखेंगे तो ये 2 आ गया, 3 रखेंगे तो ये 3 आ गया। इसका मतलब एक ऐसी स्ट्रेट लाइन मिल रही है, ठीक है। वही सेम पिक्चर आपको नेगेटिव में मिल रही है, ये एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है, ठीक है। वही सेम पिक्चर आपको नेगेटिव में मिल रही है अगर आप x की वैल्यू -1 रख रहे हैं, x -1 यहाँ पे होता है तो y कितना आ रहा है, y -1 आ रहा है। x अगर आप -2 रख रहे हैं तो y कितना आ रहा है, -2 आ रहा है। इसका मतलब ये स्ट्रेट लाइन ऐसे चली जाएगी। तो भैया दिस इज द ग्राफ ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ क्या होता है, आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ होता है एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से तो 45 डिग्री का एंगल बनाती है। और मेरे भाइयों इस तरह की जो पिक्चर है ये आपके सामने है, मतलब y इक्वल टू x, एफ एक्स इक्वल टू x का मतलब y इक्वल टू x आइडेंटिटी फंक्शन है। आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ क्या होता है, स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू द ओरिजन एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। ये आगे की इन्फॉर्मेशन अभी से दे रहा हूँ, एक चैप्टर आएगा हमारे पास 11th क्लास में स्ट्रेट लाइन, उसमें अपन बच्चों की बात पढ़ेंगे कि भैया ये एंगल 45 डिग्री कैसे हुआ, वो सारी बात मैं आपको वहाँ पर समझाऊँगा। अभी आप याद रखिए कि आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ क्या होता है, स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू ओरिजन, ओरिजन से पास होती है। इसके बाद थर्ड जो है वो मेरा बड़ा फेवरेट है और आपको भी बहुत पसंद आएगा, मुझे बहुत पसंद है यार वो फंक्शन, मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन है मेरे भाइयों। मॉडुलस फंक्शन क्या होता है पहले आपको बता देता हूँ, एफ एक्स इजिकल टू मोड एक्स, एफ एक्स इजिकल टू मोड एक्स इज कॉल्ड मॉडुलस फंक्शन। ये जो फंक्शन होता है ना मॉडुलस के अंदर, तो एफ एक्स इजिकल टू मोड एक्स इज कॉल्ड मॉडुलस फंक्शन। अब इस तरह के मॉडुलस फंक्शन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास बच्चों एक ट्रिक होती है। देखिए क्या होता है, इसके लिए हमेशा याद रखना दो कॉन्सेप्ट हमारे को अप्लाई करने पड़ते हैं, एफ एक्स इजिकल टू मोड एक्स। एक बार तो हम बोलते हैं कि यार ये पॉजिटिव आएगा कब, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर x की वैल्यू मैं यहाँ पर 2 रखूँ, 0 रखूँ, 1 रखूँ, 3 रखूँ, 4 रखूँ, 5 रखूँ, तो आंसर मेरा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और मॉड x क्या है, माइनस x आएगा जब मैं लिखूँगा x लेस देन 0। अगर 0 से छोटी वैल्यू मैं रखता हूँ, जैसे मैं बोल रहा हूँ माइनस 1 रख रहा हूँ, माइनस 2 रख रहा हूँ, माइनस 3 रख रहा हूँ, तो इस फंक्शन को आपको हमेशा ऐसे समझना है, इसको दो टुकड़ों में करते हैं अपन, एक बार अपन 0 से बड़ा और एक बार 0 से छोटा। तो अपन हमेशा बोलते हैं कि भाई x आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे, मॉड x का मतलब x का इंटरवल अपन ने डिवाइड कर रखे हैं, इंटरवल डिवाइड कर रखा है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे x है और x लेस देन इक्वल टू 0 पे माइनस x है। ये मेरा एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन भी बोलता हूँ मैं इसको मॉडुलस फंक्शन भी बोलता हूँ और एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन भी बोलता हूँ बच्चों। अब आपसे पूछा जाएगा
कि यार भैया ये मॉडुलस फंक्शन है, इस फंक्शन का डोमेन क्या आएगा, रेंज क्या आएगा, तो आप क्या कहेंगे, भैया डोमेन तो बहुत सिंपल है, कोई सा भी रियल नंबर कुछ भी पुट करो ना, कुछ छोड़ा थोड़ी है आपने, आपने जीरो भी ले लिया, जीरो से बड़ा भी ले लिया, आपने जीरो से छोटा भी सारा ले लिया, तो डोमेन तो क्या आएगा, रियल नंबर। लेकिन रेंज में मजा आएंगे आपको ज़िंदगी के, रेंज में कैसे मजा आएंगे, रेंज है ना मेरे भाइयों, आप जानते हैं कि मॉडुलस के अंदर हमेशा आपको आंसर क्या मिलता है, पॉजिटिव मिलता है। तो अगर आपने x की जगह -1 पुट कर दिया, x की जगह क्या कर दिया, -1 पुट कर दिया, तो y की वैल्यू तो मेरे भाइयों 1 ही आई ना। x की जगह अगर आपने -1 पुट किया तो आप जानते हैं -1 पुट करने पे आंसर आपका पॉजिटिव आना है, तो आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। तो fx मतलब y, y की वैल्यू कितनी आ गई, 1, मतलब आप नंबर तो नेगेटिव पुट कर रहे हैं लेकिन आंसर पॉजिटिव ही मिलेगा, इसका मतलब नेगेटिव आंसर कभी भी नहीं आता है मॉडुलस का, और ये बात हम बहुत पहले से भी जानते हैं। तो रेंज क्या आ जाएगी मेरे दोस्तों, रेंज आ जाएगी हमारे पास पॉजिटिव रियल नंबर आर प्लस, मतलब मेरी कहानी क्या चलेगी, मेरी कहानी चलेगी 0 to infinity, मैं इसको आर प्लस भी बोलता हूँ बच्चों, आर प्लस का मतलब पॉजिटिव रियल नंबर, मतलब जीरो भी इंक्लूड है और उसके आगे के सारे चलते जाएंगे। तो जो एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन मॉडुलस फंक्शन होता है बच्चों, उसका डोमेन होता है सेट ऑफ रियल नंबर्स, और रेंज होती है मेरे भाइयों पॉजिटिव रियल नंबर का सेट, दैट इज 0 to infinity। ठीक है ना बच्चों, ये हो गई मेरी कहानी। अब इसका ग्राफ जो है ना बच्चों, उसके बारे में बात चलती है। तो देखिए ग्राफ तो बहुत सिंपल है, देखना भाइयों ग्राफ बहुत सिंपल है। भाई आपने क्या बोला कि अगर आप वैल्यू जीरो रखते हैं तब तो आंसर जीरो आना ही है। ग्राफ बनाना तो बहुत आसान है यार, और इन फंक्शंस के ग्राफ जिनके मैं सिखा रहा हूँ आने भी चाहिए। fx = mod x, दो टुकड़ों में बांट दिया अपन ने क्या, x आएगा जब x > 0 है, और -x आएगा जब x < 0 है। तो जीरो पे तो मैं जानता हूँ कहानी जीरो ही है, पहला पॉइंट तो मुझे ये मिल गया। x की जगह 1 रखूंगा तो y भी 1 आएगा, इसका मतलब ये तो वही कहानी हो गई जो आइडेंटिटी फंक्शन में चल रही थी। मतलब ये कहानी अभी तो ऐसी हो गई जब पॉजिटिव के बारे में बात कर रहा हूँ, जैसे 0 पे 0 आएगा, 1 पे 1 आएगा, 2 पे 2 आएगा, 3 पे 3 आएगा। तो अभी प्रीवियस अपन ने जो आइडेंटिटी फंक्शन पढ़ा था उसमें यही तो हो रहा था, और क्या हो रहा था कि भैया ये 0 पे 0, 1 पे 1, 2 पे 2, 3 पे 3, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे y1 होता है, यहाँ पे y2 है, यहाँ पे y3 है। अब मज़ा क्या आएगा, नेगेटिव पुट करने पे भी आंसर पॉजिटिव ही आएगा, नेगेटिव पुट करने पे भी आंसर पॉजिटिव आएगा। मैंने लिखा x की जगह -1, y कितना आ गया भैया, 1 आ गया। x की जगह मैंने -1 रखा, x -1 यहाँ पे होता है लेकिन y 1 तो ऊपर होता है ना, तो पॉइंट तो ऊपर आ गया मेरे पास। अब मैंने x की जगह रखा -2, -2 रखने पे y कितना आ गया, 2। तो भैया इसका मतलब पहला पॉइंट तो ये था, दूसरा पॉइंट ये, x की जगह -3 रखूंगा तो y कितना आ जाएगा, 3। इन पॉइंट को ज्वाइन करूंगा तो कहानी कैसी चल रही है, ऐसी, और इसको कहाँ पे लेके आना है, 0 पे। ये हो गई मेरी बल्ले बल्ले। तो उधर तो क्या हो गया, उधर तो हो गया आपके पास fx = x, और इधर हो गया आपके पास fx = -x। मतलब जब आपने x पॉजिटिव में रखा तो आपकी स्ट्रेट लाइन यूँ जा रही है, और नेगेटिव में रखा तो आपकी स्ट्रेट लाइन यूँ जा रही है। तो यहाँ पे आपकी कहानी क्या हो गई, fx = -x, मतलब x की वैल्यू नेगेटिव रखेंगे तो भी यूँ जाएगा, x की वैल्यू पॉजिटिव रखेंगे तो इधर जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे माइनस का कोई काम नहीं है। दिस इज द ग्राफ ऑफ मॉडुलस फंक्शन। ठीक है मेरे बच्चों, ये हो गई मेरी कहानी। इसके बाद देखिए हम, अब है हमारे पास 2-3 फंक्शन और हैं। एक फंक्शन तो मेरा बहुत फेवरेट है, जैसे मॉडुलस फंक्शन था ना वैसे ही एक और फंक्शन है जो मेरा बड़ा फेवरेट है, वो है मेरे दोस्तों ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। वो फंक्शन है मेरे भाइयों ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट, ये पहली बार सुनने को मिलेगा आपको नाम, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये लो मेरे दोस्त। अब ये बच्चे पूछते कि सर ये होता क्या है, तो भाइयों मैं आपको बता देता हूँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब क्या है, फॉर एनी रियल नंबर, दुनिया का कोई सा भी रियल नंबर, फॉर एनी रियल नंबर fx = इस तरीके के ब्रैकेट में अगर मैं लिख दूं fx = this one,
तो फॉर एनी रियल नंबर एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर, और इसको बोलते हैं लेस देन इक्वल टू एक्स। इसका मतलब होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू एक्स। इसकी कहानी समझाने वाला हूँ मैं भी आपको, तभी तो मेरा सबसे फेवरेट है। एफ एक्स इज इक्वल टू इस तरह के ब्रैकेट के अंदर अगर आपने लिख दिया, ऐसा ब्रैकेट बना के इसके अंदर लिख दिया आपने एक्स, इसका मतलब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है और इसकी कहानी होती है लेस देन इक्वल टू एक्स। कैसे बच्चों? जैसे आपने क्या बोला कि ये एक्स कोई सा भी रियल नंबर हो सकता है। जैसे किसी बच्चे ने बोला इसके अंदर लिखा हुआ है 2.6, मैं उससे बोलूँगा कि तेरा आंसर आएगा 2, लेस देन इक्वल टू एक्स, हमेशा उससे कम आएगा, लेस देन इक्वल टू एक्स। लेकिन अगर इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, ये हमेशा इंटीजर वैल्यू एक्सेप्ट करता है, मतलब इस फंक्शन की जो रेंज आएगी ना वो क्या आएगी, वो आएगी इंटीजर। इस फंक्शन की जो रेंज आएगी वो क्या आएगी, इंटीजर। ये तो अभी से बता देता हूँ, इस फंक्शन की रेंज हमेशा इंटीजर आएगी। क्यों? क्योंकि ये इंटीजर वैल्यू एक्सेप्ट करता है। 2.6 को आपने क्या लिखा, 2, आपने यहाँ पे बोल दिया 5.4, 5.4 का मतलब आंसर क्या आएगा मेरे बच्चों, 5 आएगा। लेकिन अगर आपने इसके अंदर लिख दिया 7, तो 7 का आंसर 7 ही आएगा। लेस देन इक्वल टू एक्स मतलब उससे ऊपर नहीं जाता है, उसके नीचे रहता है या उसके बराबर हो सकता है। जैसे आपने लिखा है यहाँ पे 7 की जगह आपने लिख दिया 9.2, तो आंसर क्या आएगा बच्चों, 9 आएगा, 10 नहीं आएगा, ये हमेशा याद रख लेना। तो ये सारी वैल्यू क्या है, इंटीजर ही तो है। अब अगर आप कहें कि सर नेगेटिव में, तो नेगेटिव में रखो ना, क्या दिक्कत है यार, नेगेटिव में रखो आप। आपने बोला -2.76, कोई सा भी आपने रियल नंबर ले लिया कि -2.76, तो बच्चों लेस देन इक्वल टू एक्स। -2 से जस्ट छोटा क्या होता है, -3, इसका आंसर आएगा -3। अगर इस तरीके का आपको लिखा हुआ है तो इसका आंसर क्या आएगा, -3, क्योंकि लेस देन इक्वल टू नीचे जाना है, -2 से छोटा कौन है, -3। आपने बोल दिया यहाँ पे इसके अंदर -2, तो आंसर -2 ही आएगा, अगर आपने उसी इंटीजर के बारे में बात करी है तो। लेकिन अगर आपने बोल दिया माइनस में 7.45 कुछ भी इस तरीके से, मैं कहूँगा आंसर आएगा -8। तो पहले तो इस चीज़ को बाय हार्ट अच्छे से तैयार कर लो कि भैया ब्रैकेट में ऐसा लिखा हुआ है, इसका मतलब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है उसको अपन बोलते हैं लेस देन इक्वल टू एक्स, मतलब ये जो वैल्यू है इस वैल्यू से छोटा आंसर आएगा, या फिर ये वैल्यू हो सकती है कब, जब अगर इंटीजर वैल्यू है तो। जैसे यहाँ पे -2 था तो उसका आंसर -2 आ गया। मुझे लगता है शायद अच्छे से बात समझ में आ गई होगी मेरे भाइयों के। अब मैं आपको इस फंक्शन का ग्राफ बना के बता देता हूँ मेरे बच्चों। तो इस फंक्शन का ग्राफ है, हाँ एक चीज़ और बता देता हूँ, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड स्टेप फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू एक्स, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड स्टेप फंक्शन। स्टेप फंक्शन पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पे माचिस की तिल्लियाँ बनाऊंगा बेटा मैं। माचिस की तिल्लियाँ का मतलब क्या है, अभी आपके सामने ग्राफ बनाऊंगा ना, इसको ऐसे याद रखना। जो लास्ट ईयर वाले बच्चे थे ना, वो ऐसे याद रखते थे कि सर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो ग्राफ है वो आपने बताया था माचिस की तिल्ली वाला होता है। तो माचिस की तिल्ली वाला कैसे होता है देखना मेरे भाई, ये आपका 0, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। आपने क्या देखा कि 0 से 1 के बीच, यहाँ पे पहले एक बार पॉइंट मार्क कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, इधर भी कर लेते हैं, थोड़ा ग्राफ खूबसूरत बना देते हैं, 1, 2, 3, 4, ये कर लिया भैया, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया। ठीक है, अपन क्या बोलते हैं कि भैया 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में आंसर 0 ही आएगा। कोई बोले 0.4, मैं क्या बोलूँगा, आंसर तेरा 0 आएगा। कोई बोले 0.9, मैं क्या कहूँगा, आंसर तेरा 0 आएगा। कोई बोले कि 1, तो मैं कहूँगा अब तेरा आंसर 1 आएगा। इसका मतलब जब यहाँ से कहानी स्टार्ट होगी मेरी, कहाँ से मेरे बच्चों, यहाँ से, तो यहाँ से मेरी कहानी ऐसे ही चलती रहेगी, ऐसी यहाँ पे आके मेरा आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। फिर 1 से 2 के बीच में, 1 से 2 के बीच में आंसर हमेशा आपका क्या रहेगा, 1 रहेगा। लेकिन जैसे 2 पे जाएंगे ना, जैसे अपन बात करेंगे कि भैया 0 से 1 के बीच में ये है, 1 से 2 के बीच में, तो भैया ये चली हमारी कहानी 1 से 2 के बीच में, यहाँ पे जाके हमारी चेन ब्रेक। 2 से 3 के बीच में, 2 से 3 के बीच में ये हमारी कहानी ब्रेक, फिर इससे बीच में, फिर यहाँ से ये, इस तरह से माचिस की तिल्लियों जैसा ग्राफ बनता है मेरे भाइयों, इस तरह का ग्राफ बनता हुआ आएगा आपके पास। देखिए 0 से 1 के बीच में आप जानते हैं वैल्यू हर बार 0 रहेगी, 0.4 रखेंगे तो भी 0, 1 पे आके आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 से 2 के बीच में, 1 से 2 के बीच में अगर आप रख रहे हैं, जैसे आपने क्या बोला कि हमने 1.1 रखा तो भी आंसर 1 ही रहेगा, 1.2 रखा तो भी आंसर 1 ही रहेगा। आपने जैसे ही 2 रखा ना, जैसे ही आपने 2 रखा, तो 2 रखने पे आपका आंसर यहाँ से स्टार्ट हो गया, 2 हो गया, इसके बीच में ये ब्रेक आ गया।
ये माचिस की तिल्लियों वाला जो ग्राफ होता है ना, ये वाला ग्राफ होता है मेरे भाइयों ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। सेम चीज इधर चलेगी, यहाँ लिख लो -1 -2 -3 -4, यहाँ पे लिख दीजिए -1 -2 -3 -4। सेम पिक्चर यहाँ पे रहेगी, जिस तरीके से यहाँ से स्टार्ट हुआ था ये कहानी यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। अब की बार ये इधर से चलता हुआ यहाँ पे ब्रेक होगा, फिर ये इधर से चलता हुआ मेरे भाइयों यहाँ पे ब्रेक होगा, फिर ये इधर से चलता हुआ यहाँ पे ब्रेक होगा। तो ये माचिस की तिल्ली वाला ये जो आपका ग्राफ होता है ना मेरे दोस्तों, ये क्या होता है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ होता है। तो इस तरह का ग्राफ अगर कभी आपको नजर आए, ये अपने आप में यूनिक ग्राफ है। ये क्या है, ये ब्रेक हो जाता है 0 से 1 के बीच में, 1 आते ही 1 हो जाएगा। 1 से 2 के बीच में देखो यहाँ पे पूरे टाइम गैप चल रहा है, 1 से 1.4 पे भी बनी है, 1. इस पे भी बनी है, 1.6 पे भी बनी है, लेकिन जैसे इस पे बात चलेगी तो फिर हमारा आंसर यहाँ से ब्रेक हो जाएगा और कहाँ पे पहुँच जाएगा, 2 पे पहुँच जाएगा। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ होता है। अब देखो दोस्तों एक और फंक्शन है मेरे पास जिसका नाम है सिग्नम फंक्शन, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत पसंद है सिग्नम फंक्शन। हाँ पहले तो इसके बारे में यार बात तो करें कि इस फंक्शन का डोमेन क्या है, इस फंक्शन की रेंज क्या है। तो बच्चों अगर मैं बात करूँ कि इस फंक्शन का डोमेन क्या है तो आप क्या बोलेंगे, भैया डोमेन तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी लिखो ना इसके अंदर, आपकी मर्जी पड़े जो लिखो, 2 लिखो, 5 लिखो, माइनस में लिखो। तो डोमेन क्या हो गया, डोमेन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इक्वल टू आर सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। रेंज जो है ना, रेंज बड़ी इंपॉर्टेंट है। रेंज क्या है बेटा, आपने देखा कि हमेशा आंसर इंटीजर आ रहा था, 2.4 रख रहे हैं तो भी 2 आ रहा है, 2.8 रख रहे हैं तो भी 2 आ रहा है, 3 पे 3 आ रहा है। तो रेंज क्या है बच्चों, रेंज इक्वल टू जेड, मतलब सेट ऑफ इंटीजर्स, ये इसकी रेंज होती है। अब आ जाते हैं अपन सिग्नम फंक्शन पे, जो हमारा सिग्नम फंक्शन है उस पे आ जाते हैं। सिग्नम फंक्शन एफ एक्स इजिकल टू मॉड एक्स अपॉन एक्स, सबसे यूनिक है, एफ एक्स इजिकल टू मॉड एक्स अपॉन एक्स इज कॉल्ड सिग्नम फंक्शन। एफ एक्स इजिकल टू मॉड एक्स अपॉन एक्स इज कॉल्ड सिग्नम फंक्शन। ये मेरी बात हमेशा याद रखना मेरे दोस्तों। और इसको अगर आपको बनाना है तो देखिए, इसको इंटरवल में जब डिवाइड करूँगा तो एफ एक्स इजिकल टू मॉड एक्स अपॉन एक्स, ये अब इसको लिखना है तो कैसे लिखेंगे बच्चों, ये कर्ली ब्रैकेट बनाया है, इसके अंदर लिखा मॉड एक्स जो है, मैं सबसे पहले आपको बोल देता हूँ यहाँ पे 3 इंटरवल में बांटूंगा, एक बार तो बोलूँगा एक्स ग्रेटर देन 0, एक बार लिखूंगा एक्स इक्वल टू 0, और एक बार लिखूंगा एक्स लेस देन 0। तो एक्स ग्रेटर देन 0 पे आंसर हमेशा 1 आएगा। अगर आपने एक्स की जगह 2 रखा तो 2/2 आंसर इज 1, 3 रखा तो 3/3 आंसर इज 1, क्योंकि आपको दिख रहा है यार एक्स अपॉन एक्स ही तो है और मॉड एक्स के बारे में आप अच्छे से जानते हैं। तो देखिए 1 आएगा आंसर कब, जब एक्स ग्रेटर देन 0 है। पहली बात तो ये क्लियर हो गई कि इसका आंसर 1 आएगा जब एक्स ग्रेटर देन 0 है। एक्स इक्वल टू 0 पे 0 आएगा क्योंकि न्यूमरेटर में 0 है ना, अब 0 को किसी से भी डिवाइड करो आंसर 0 आना है। तो 0 आएगा कब, जब एक्स इक्वल टू 0 है। लेकिन अगर मैं एक्स की वैल्यू नेगेटिव पुट करता हूँ, जैसे मैंने बोला -2, तो ऊपर तो हो गया पॉजिटिव लेकिन नीचे तो नेगेटिव ही रहेगा ना, तो आंसर क्या आएगा भाइयों, -1। कुछ भी कर लो हर बार -1 ही आएगा। x की वैल्यू जैसे मैंने -3 पुट करी, -3 पुट करने पे ऊपर तो आ गया 3 लेकिन डिनोमिनेटर में क्या आएगा -3, 3 से 3 फिर कट गया, आंसर क्या आ गया -1। मतलब कोई सा भी नेगेटिव नंबर पुट करो आंसर आ रहा है -1, कोई सा भी पॉजिटिव नंबर पुट करो आंसर आ रहा है +1, और 0 पे आंसर आ रहा है 0। तो इसका मतलब ये तो बड़ा खूबसूरत फंक्शन हो चुका है, क्या कि अगर x ग्रेटर देन 0 है तो आंसर 1 आता है, x इक्वल टू 0 पे 0 आता है, और x लेस देन 0 पे -1 आता है। इसका मतलब इस फंक्शन ने तो अभी से ही पूरी कहानी सुना दी। क्या सुना दी, कि भैया रेंज आएगी -1, 0, 1, मतलब और कुछ भी आंसर नहीं आ सकता। y की वैल्यू, भाई रेंज मतलब y की वैल्यू, तो y की वैल्यू इन 3 के अलावा कुछ भी नहीं आ सकती। तो रेंज तो मैंने अभी से ही डायलॉग दे दिया मेरा कि रेंज इक्वल टू -1, 0, 1। कोई आदमी कहेगा डोमेन, तो मैं कहूँगा भैया डोमेन तो बहुत सीधा है रे, डोमेन में क्या दिक्कत है, कोई सा भी रियल नंबर पुट करता जा, कर ही तो रहे अपन, यही तो काम कर रहे हैं। तो डोमेन तो क्या आ गया बच्चों, सेट ऑफ रियल नंबर, डोमेन इज द सेट ऑफ रियल नंबर, वाइल रेंज इज -1
जीरो वन। तो ये जो फंक्शन होता है दोस्तों, इस फंक्शन को बोलते हैं सिग्नम फंक्शन, और सिग्नम फंक्शन का डोमेन होता है आर और रेंज होती है माइनस वन जीरो वन। अब बच्चे कहते हैं इस फंक्शन का भी सर ग्राफ बता दीजिए, बता देंगे भाई क्या दिक्कत। ये देखिए भाई इस फंक्शन का जो ग्राफ है वो भी बड़ा प्यारा है, टुकड़ों में बट गया बस। ये एक्स है, ये वाई है, ये ओरिजिन है जीरो। आपने क्या बोला, कुछ भी वैल्यू रखो ग्रेटर देन जीरो, आंसर क्या आएगा, आंसर वन आएगा, मतलब वाई की वैल्यू वन आएगी। तो बच्चों यहाँ वन है, यहाँ टू है, यहाँ थ्री है, यहाँ पे मेरे भाइयों फोर है, यहाँ पे फाइव है। सेम पिक्चर इधर है, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर, और ऊपर आपका वाई पॉजिटिव वन, वाई पॉजिटिव वाई पॉजिटिव वाई पॉजिटिव, यहाँ वाई नेगेटिव 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 लेते रहिए कोई दिक्कत नहीं है, माइनस फोर ये नेगेटिव। हमें क्या पता लग गया भाइयों, हमें पता है अगर जीरो से बड़ी वैल्यू पुट करेंगे ना तो आंसर तो मेरे भाइयों आना तो क्या है, वन ही है। तो आपने बोला वन, वन पे मैं बोलूँगा कि वन पे आंसर बना गया, मैं आपसे बोल रहा हूँ कि टू, मैं बोलूँगा टू पे फिर आंसर बना गया, थ्री, थ्री पे फिर आंसर बना गया, फोर, फोर पे फिर आंसर बना गया, फाइव पे फिर आंसर बना गया। इसका मतलब ये तो एक स्ट्रेट लाइन बन गई भैया, ऐसे जाती जाएगी, ये तो एक ऐसी स्ट्रेट लाइन बन गई जो यूं जाती जाएगी इधर से। सेम पिक्चर इधर होने वाली है। आप क्या करेंगे, आप बोलेंगे सर हमने रखा x की जगह माइनस टू, पहले माइनस वन रखा आपने, माइनस वन रखा तो आपका आंसर आ गया वन अपॉन माइनस वन, आंसर इज माइनस वन। ये आ गया आपका वन नेगेटिव पुट करने पे आंसर आ गया माइनस वन। फिर आपने बोला सर हमने x की जगह माइनस टू रखा, मैं बोलूँगा माइनस टू अपॉन आपके पास फिर टू, फिर आंसर माइनस वन। तो बच्चों आपको अब ये पॉइंट मिला, पहले ये मिला फिर ये मिला, फिर माइनस वन आया आंसर, फिर आंसर माइनस वन आया, फिर आंसर माइनस वन आया। इसका मतलब अब की बार आपके पास एसी स्ट्रेट लाइन होगी। तो कितना सीधा ग्राफ है इसका मेरे बच्चों, एक बार तो उधर वन से उस तरफ जा रही है, एक बार माइनस वन से इस तरफ जा रही है। ये ग्राफ होता है सिग्नम फंक्शन का। मैं बहुत आसानी से बच्चों को सारे ग्राफ एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब कुछ ग्राफ और हैं जिनको बच्चे पूछना चाहें तो मैं बता देता हूँ, और नहीं पूछना चाहें तो भी मैं बता देता हूँ। बच्चों देखो तुम्हारे पास है ना ये ग्राफ, हालांकि ट्वेल्थ में भी आएंगे। एक तो है हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ होता है, एक बच्चों लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ होता है, और एक इसके अलावा हमारे पास स्क्वायर फंक्शन का ग्राफ। ये जरूर देखिए स्क्वायर फंक्शन क्यूब फंक्शन, ये देख लीजिए स्क्वायर फंक्शन, ये आपकी बुक में दे भी रखा है, वो सिंपल ये तो मैंने टेंथ में पढ़ा दिया। स्क्वायर फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, भैया मैं जानता हूँ ये क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का मतलब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, अगर आपको याद आ रहा हो तो, क्योंकि एक्स स्क्वायर मतलब x की हाईएस्ट पावर 2 है, डिग्री 2 है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ हमेशा क्या होता है मेरे भाइयों, पैराबोला ऐसा ग्राफ आता है, इसलिए इनसे तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, ऐसा ग्राफ आएगा इसका खत्म पिक्चर। एफ एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर मतलब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ हमेशा बच्चों क्या होता है, पैराबोला, नेगेटिव में तो जाने की बात ही नहीं है, स्क्वायर हो रहा है मेरे भाई, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव है। एक्स की वैल्यू जीरो पे जीरो आएगा, वन पे वन आएगा, टू पे फोर आएगा, बढ़ते चले जाएंगे, जीरो पे जीरो, वन पे ये भैया वन ही आ गया, ठीक है, टू लिया तो टू पे भैया ये फोर आ गया, थ्री लिया थ्री पे भैया ये नाइन आ गया, इस तरीके से रहेगा। नेगेटिव में लेंगे तो एक्स, अगर नेगेटिव में लूँगा तो एक्स की वैल्यू अगर मैं माइनस टू रखूँगा तो भी आंसर पॉजिटिव आएगा, माइनस वन रखूँगा तो वन आ गया, माइनस टू रखूँगा तो ये मेरे भाइयों फोर आ गया। तो इसका मतलब नेगेटिव आने का तो कोई सवाल ही नहीं है ना, अब आप समझदार लोग हैं यार। तो ये हो गया एफ एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ। तो यहाँ पे आपसे अगर कोई बोले कि भैया इसका डोमेन क्या आएगा, अरे डोमेन क्या भैया, कोई सा भी तो पुट कर सकते हैं, डोमेन तो आर हो गया, रेंज, रेंज बेटा देखो पॉजिटिव रियल नंबर आई है, तो रेंज क्या आएगी मेरे भाइयों, रेंज आएगी आपके पास जीरो टू इन्फिनिटी। क्यों, क्योंकि हम x की जगह नेगेटिव तो रख सकते हैं लेकिन आंसर हमारे पास क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। तो रेंज तो हो गई मेरे भाइयों जीरो टू इन्फिनिटी, और डोमेन हो गया मेरे पास r। अब अपन स्क्वायर फंक्शन के बाद बात करते हैं बच्चों किसके बारे में, क्यूब फंक्शन के बारे में। क्यूब फंक्शन एफ एक्स इजिकल टू एक्स क्यूब,
कुछ भी आ जाएगा यहाँ पे, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। क्यूब फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं अब, जो फंक्शन है बच्चों वो है क्यूब फंक्शन। और क्यूब फंक्शन में क्या होता है मेरे भाइयों, क्यूब फंक्शन को हम बोलते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। इसमें क्या होने वाला है, इसमें देखना मेरे भाइयों पिक्चर, आप x की जगह जीरो रखेंगे तो जीरो का क्यूब तो जीरो होता है, तो पहला पॉइंट तो आपको ही मिल गया। x की जगह वन रखेंगे, ये वन, वन रखने पे ये वन आ गया, चलो ठीक है, x की जगह वन रखा, वन रखने पे ये वन आ गया, ये पॉइंट मुझे मिल गया। ठीक है, ग्राफ बनाना आना चाहिए। x की जगह टू रखेंगे तो टू का क्यूब क्या आएगा, एट आएगा। अब यहाँ पे सपोज मेरा टू का क्यूब एट आया, अब देखिए ऊपर मेरे पास स्पेस कम है, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ, एट तो कहीं ना कहीं ऊपर जाके आएगा यार, एट तो कहीं ना कहीं ऊपर जाके आएगा। ये सपोज यहाँ पे जाके आपका एट है, थ्री रखेंगे तो फिर आप जानते हैं थ्री का क्यूब 27 है, तो फिर वो और ऊपर जाएगा। इसका मतलब ये ग्राफ कैसा चलता हुआ जाएगा, यूँ चलता हुआ, यूँ चलता हुआ, यूँ चलता हुआ, ऐसे यूँ ऊपर चला जाएगा मेरे भाइयों, जब मैं पॉजिटिव रख रहा हूँ। अगर मैं नेगेटिव रख रहा हूँ ना, तो नेगेटिव रखने पर आप जानते हैं कि भैया माइनस वन अगर मैंने रखा तो माइनस वन का क्यूब तो माइनस वन ही होता है, माइनस वन का क्यूब तो माइनस वन ही होता है, माइनस टू का क्यूब माइनस एट, मतलब नेगेटिव का क्यूब हमेशा नेगेटिव होता है, तो माइनस वन पे तो वन मिल गया ये लो। लेकिन माइनस टू पे क्या मिलेगा बच्चों, माइनस टू पे नीचे जाके मिलेगा कहीं ना कहीं माइनस एट, तो यहाँ कहीं जाके मिलेगा। तो पहले तो ये पॉइंट आया माइनस वन पे वन, और फिर माइनस टू पे माइनस एट, इस तरीके से आपका ये ग्राफ बनेगा मेरे दोस्तों। तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ ऐसा होता है बच्चों, क्लियर हो गई मेरी बात। अब आप क्या कहेंगे, आप बोलेंगे कि सर हम डोमेन में कोई सा भी रियल नंबर ले सकते हैं क्यों, क्योंकि आप कुछ भी पुट करिए, और रेंज भी मेरे भाइयों कुछ भी हो सकती है, तो डोमेन बात करेंगे तो भी रियल नंबर, और रेंज के बारे में बात करेंगे तो भी रियल नंबर। क्यों, क्योंकि हमने देखा कि नेगेटिव भी आ रहा है आंसर, और आंसर मेरे भाइयों पॉजिटिव भी आ रहा है। तो ये हो गई हमारी इन फंक्शंस की पिक्चर। अब देखिए बच्चों, मैंने आपका टाइम सेव करने के लिए पहले ये पूरा प्रोग्राम तैयार कर लिया मेरा। अपन बात कर रहे हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, देखिएगा आप मेरी बात सुनिए, एफ एक्स इज इक्वल टू ए रेस टू द पावर एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू ए रेस टू द पावर एक्स इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। यहाँ पे एक कंडीशन होती है, ए जो है ना बच्चों वो हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए, मतलब ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव रियल नंबर, नेगेटिव नहीं, और ए जो है वो कभी भी वन नहीं हो सकता। तो मैं आपको दो बातें तो अभी से बता दूँ, डोमेन तो आपके समझ में आएगा होगा, आप x की वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हैं। तो डोमेन तो क्या आ गया मेरे दोस्तों, इसका डोमेन तो होता है R, इसकी रेंज जो है ना, बता तो रहा हूँ लेकिन प्रूव भी करके बताऊँगा, इसकी रेंज आएगी मेरे भाइयों पॉजिटिव रियल नंबर, मतलब जीरो से इन्फिनिटी आएगी इसकी रेंज। अब कैसे आएगी ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, देखिए भाई क्या होगा, रेंज आएगी इसकी जीरो टू इन्फिनिटी, मतलब पॉजिटिव रियल नंबर, जीरो इंक्लूड नहीं है। कैसे, देखिए ए जो है ये आपने सपोज बोला ए टू है, क्योंकि अपने क्या बोला, ए जो है वो कोई सा भी रियल नंबर हो सकता है, ए की वैल्यू सपोज टू है, तो बच्चों मैं बोलता हूँ एक्स की जगह जीरो पुट कर रहा हूँ, तो टू की पावर जीरो मतलब आंसर कितना है वन, मतलब अगर मैं एक्स की वैल्यू जीरो पुट करूँ तो एक्स की वैल्यू जीरो पुट करने पर आंसर कितना आ रहा है वन, इसका मतलब मेरी कहानी यहाँ से स्टार्ट हो रही इस जगह से, क्योंकि ये पॉइंट आएगा मेरे पास 0.1, यहाँ पे x 0 है और y 1 है, तो पहला पॉइंट आ गया 0.1। अब अगर मैं यहाँ पे रखूँ x की वैल्यू 1 रखूँ तो 2 की पावर 1 का मतलब क्या होता है, 2, x की वैल्यू 1 यहाँ पे और इसकी वैल्यू 2 यहाँ पे आई। अब मैं बोलूँ कि मैंने x की जगह 3 पुट किया, x की जगह मैंने 2 पुट किया, तो 2 की पावर 2 आंसर कितना आया 4। तो जब मैं x की जगह 1 रख रहा हूँ तो 1 रखने पे मेरा आंसर आया था बच्चों 2, और जब मैं x की जगह 2 रख रहा हूँ तो 2 रखने पे आंसर आ रहा है 4। इसका मतलब ये इस तरह से जा रहा है, एक्सपोनेंशियली ग्रोथ कर रहा है, अब बढ़ता जाएगा, अब ये पिक्चर बढ़ती जाएगी। तो क्या ये पिक्चर नीचे भी आ सकती है क्या, नहीं आ पाएगी, पता है क्यों, मैंने पहले बोला है कि रेंज 0 से इन्फिनिटी आएगी। कैसे आएगी, देखिए दोस्तों 0 तो हो ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि सीधी सी बात है, मैंने यहाँ पे आपसे बोल ही दिया कि ये जो है ना ये नंबर ए कैन नॉट बी वन, और जीरो के पावर जीरो डिफाइन होगा भी नहीं, मैं आपको बता दूँ, आप एक्स की जगह जीरो रखेंगे तो इसकी वैल्यू वन आएगी, उससे नीचे जा ही नहीं सकते। इसके बाद देखिए आप, जैसे ही आप यहाँ पे नेगेटिव रखना स्टार्ट करेंगे, जैसे आपने क्या बोला, हम एक्स की जगह माइनस वन रखना चाहते हैं, टू की पावर माइनस वन का मतलब होता है 1/2, तो भैया आपने एक्स की जगह क्या रखा, माइनस वन रखा, माइनस वन रखने पर आंसर क्या आया 1/2, इसका मतलब ये इस जगह आ गया 1/2, 0 और 1 के बीच में यहाँ पे कहीं पे ये लो साहब इस तरह से आ गया।
फिर उसके बाद आपने x की जगह माइनस टू पुट किया, तो 2 की पावर माइनस टू का मतलब होता है 1/4, 1/4 इससे भी नीचे आएगा। तो ऐसे करके बच्चों ये आपका चलता जाएगा चलता जाएगा, इस तरह का ग्राफ बनेगा आपका ऐसा ये, क्योंकि अगर आप x की जगह माइनस थ्री रखेंगे तो 2^-3 मतलब 1/8 अब और नीचे हो जाएगा। तो ये जो आपका है ये a से नीचे से नीचे से नीचे से होता चला जाएगा, ये इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ होता है मेरे दोस्तों। ठीक है, ये हो गई आपकी कहानी। अब हाथ के हाथ में आपको लॉगरिथमिक फंक्शन का भी ग्राफ बना दूं, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि सारे के सारे फंक्शन हमारे क्लियर हो चुके हैं। अब भाई अपन बात कर रहे हैं लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में। लॉगरिथमिक फंक्शन को पढ़ाने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि जो लॉगरिथमिक फंक्शन जो होता है ना, वो और एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। एक थोड़ी सी यहाँ पे नॉलेज मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस आर इन्वर्स। एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लॉग फंक्शन आर इन्वर्स ऑफ ईच अदर, ये एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। आर इन्वर्स फंक्शन एक दूसरे के उल्टे होते हैं। कैसे, देखना मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बहुत अच्छे से बताऊँगा। पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि भी जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो तो आप बोलते हैं a की पावर x के फॉर्म में होता है, और जो लॉगरिथमिक फंक्शन होता है fx इज इक्वल टू, वो होता है log x टू द बेस a, इस वाले फॉर्मेट में होता है मेरे भाइयों। जो लॉगरिथमिक फंक्शन है उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, fx इज इक्वल टू log x, और किसी बेस पे बात होती है बच्चों। अभी आपको सब समझ में आने वाला है, ये fx इज इक्वल टू log x टू द बेस a, ये रीड करने का तरीका होता है। क्या होता है मेरे भाइयों, मैं आपको बता देता हूँ बहुत अच्छे से। जैसे आप अभी तक पढ़ते थे 2^3 बराबर क्या होता है, 8 होता है। आपने बोला ना कि यार ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ है 2^3 बराबर 8 होता है। अब मैं इसको पता है लॉग के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ। कैसे, यहाँ पे इस पावर के लिए अपन बात कर लेते हैं कि अपन इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। पता है क्या होता है, 3 इक्वल टू इसका लॉग ले लो, 3 इक्वल टू लॉग 8 और इसके साथ बेस, ये हो गई कहानी। 3 इक्वल टू लॉग 8 टू द बेस 2, इसकी जगह कुछ और कहानी होती है ना, जैसे मैं आपको बताऊं यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल 3 की पावर 4 कितना होता है बच्चों, 81 होता है, आप जानते हैं। तो आप पता है क्या लिखते हैं, इस पावर की वैल्यू निकाल सकते थे, 4 इक्वल टू लॉग किसका, इसका लॉग 81 टू द बेस 3, ये कहानी होती है बच्चों। तो एक्सपोनेंशियल को लॉग में बना सकते हैं, लॉग को एक्सपोनेंशियल में हम बना सकते हैं, ये इन दोनों में रिलेशन होता है। तो y इक्वल टू लॉग x टू द बेस a, दिस इज कॉल्ड लॉगरिथमिक फंक्शन। और मैंने आपको बताया भी बच्चों कि एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं, एक दूसरे के कन्वर्स हैं। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ है, ये लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे कहानी पता है क्या होती है, बहुत शानदार, आपने एक्सपोनेंशियल फंक्शन बाय हार्ट कर लिया है, अच्छे से कर लिया है, तो बेटा उसका उल्टा कर दो, वहाँ का डोमेन और रेंज उल्टी कर दो। आपने देखा था कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन में डोमेन तो क्या था, रियल नंबर, लेकिन रेंज आपने देखी थी हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर आया था, कभी भी नेगेटिव नहीं आया था, रेंज आई थी 0 to infinity। उल्टा कर दो, लॉगरिथमिक फंक्शन का जो डोमेन होता है ना, डोमेन तो होता है मेरे भाइयों 0 to infinity। लॉगरिथमिक फंक्शन का जो डोमेन है वो तो हो गया 0 to infinity, और रेंज जो होती है यहाँ पे वो होती है कोई सा भी रियल नंबर। ये है कहानी, इसको ऐसे याद रखना अपनी शॉर्ट ट्रिक से कि भैया लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में बात चल रही है, तो लॉगरिथमिक फंक्शन के लिए अलग से कुछ नहीं पढ़ना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ा है ना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन ये एक दूसरे के इन्वर्स हैं। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में जो पढ़ा था उसका उल्टा कर दो, इसका डोमेन इसकी रेंज और इसकी रेंज इसका डोमेन, ये हो गई हमारी कहानी आज की क्लियर। और मेरे दोस्तों अब आखिरी बात की, इसका ग्राफ बनाना है तो इसका भी ग्राफ बना के फ्री करें, ताकि कोई ये ना कह सके कि सर इसका ग्राफ रह गया था। तो देख मेरे भाई, ये बनाया मैंने इसका ग्राफ। पहली बात तो मैं अभी से बता देता हूँ, हमने बोला था fx इज इक्वल टू log x टू द बेस a, ये हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन था। अब यहाँ पे एक कहानी होती है मेरे भाइयों, अगर मैं x की जगह यहाँ पे क्या कर दूँ बच्चों, 1 रख दूँ, तो log 1 की वैल्यू जो है ना मेरे भाइयों, वो हमेशा 0 होती है। ये मेरा एक डायलॉग याद रखना, log 1 की वैल्यू हमेशा 0 होती है। ठीक है, तो मैं अगर x की जगह 1 रख रहा हूँ, तो 1 रखने पे क्या होगा बच्चों, x की जगह 1, 1 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 4
4 थोड़ा सा दूर बना लेते हैं, 4 यहाँ पे, 5 यहाँ पे, इस तरीके से। x की जगह क्या रखा बच्चों मैंने, 1, 1 रखने पे आंसर क्या है, log 1, log 1 की वैल्यू 0 होती, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 1 पे तो मेरा आंसर 0 आ गया, तो पहला पॉइंट तो मुझे यही मिला, 1 पे मेरा आंसर 0 आ गया। इसका मतलब मेरी कहानी क्या होगी, मेरी कहानी यहाँ से स्टार्ट होगी। अब देखिए कहानी यहाँ से तो स्टार्ट होगी, लेकिन बढ़ती हुई चलती, फिर ऐसे करके यूँ जाती है, और इधर जो है ना आपकी कहानी ये डिक्रीज होती चली जाती है इस तरीके से। थोड़ा सा इसको दिखा देते हैं, ये, और इधर से आपकी पिक्चर क्लोज ऐसे होती चली है। ये बच्चों आपका आंसर होता है किसका, एफ एक्स इजिकल टू लॉग एक्स का। ये थोड़ा सा यूँ रहेगा मेरे भाइयों, ऐसे चलेगा पूरा सिक्वेंस में ही, ये ऐसे चलता है इस तरह से, ये ऐसे करता हुआ, मतलब यहाँ पे यूँ गेप इस तरह से, ये आपका ग्राफ शो करेगा एफ एक्स इजिकल टू लॉग एक्स टू द बेस ए। इसका मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं मित्रों, रेसिप्रोकल होते हैं, एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। रेसिप्रोकल भी मत बोलो, दोनों एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, मतलब दोनों का डोमेन और रेंज आपस में इंटरचेंज हो जाता है, और ये इसका ग्राफ है। बाकी आज की कहानी ख़त्म करते हैं, कल बच्चों आपको ये सारे के सारे फंक्शन, सारे जितने भी मैंने ग्राफ बताए सब आपको याद करके आने हैं। मैं डोमेन भी पूछूंगा, मैं रेंज भी पूछूंगा, और हाँ अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आती है डोमेन में या रेंज में, कल अपन आते ही पहले वो डिस्कस करेंगे। और आपको बच्चों ध्यान देना है, अच्छे से जाके घर पे तैयार करना है वापस। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे मेरे भाइयों।